Hello student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we will be considering chapter number 5, that is organizing. और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर को कैन बी डिफाइन एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म. जहाँ पे मैनेजेरियल टास्क ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब एक ढांचा दे दिया जाता है, 50,000 यूनिट्स का अगर आपको काम करना है तो उसको डिवाइड करोगे इनटू फोर पार्ट्स, दैट इज 10,000 का बांटोगे आप, एक में 10, एक में 20 का स्लॉट बनाया, एक में 10 का बनाया और एक में फिर अगेन 10 का बनाया. तो ये जो स्लॉट होगा ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन टास्क को, किस फॉर्म में? मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क में. जब इसको डिवाइड कर दोगे तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या डिफाइन करोगे आप? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा जो कि दो काम परफॉर्म करेगा. कौन से? मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग, दोनों टास्क परफॉर्म करेगा. ये डेफिनेशन अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो इसमें टाइप्स हम पढ़ेंगे. टाइप्स क्या होते हैं? मैनेजेरियल, दोनों के मैनेजेरियल टास्क वगैरह जो दे रखा है, इसके फंक्शंस क्या होंगे, टाइप्स क्या होंगे. टाइप्स में बात करूं तो पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और है डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शंस. फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग को जब डिवाइड किया जाता है. ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग, दीज मेजर फंक्शंस आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए. अब जैसे प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, सेल्स का फंक्शन हो गया, मैनेज का फंक्शन हो गया, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं. इन सबको डिपार्टमेंट्स बना दिए इनके, तो वो कहलाएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे मैनेजेरियल डायरेक्टर. जैसे इसमें दे रखा है मैनेजेरियल डायरेक्टर में इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डाल दिया, मार्केटिंग डाल दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल दिया और परचेजिंग डाल दिया. सारे डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेंगे कोऑर्डिनेटिंग हेड को. जैसे कि एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड प्रोडक्शन. अब ये परचेज का अलग, मार्केटिंग का अलग, अकाउंट्स का अलग. तो जब फंक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे, बस ये याद रखना है आपको मेन मुद्दे वाली बात. अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. एडवांटेजेस में क्या क्या दे रखी है चीज़ें? जैसे कि एडवांटेजेस में सबसे पहले रखा है फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन आएगी क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया है सेम कैटेगरी के ग्रुप्स को. उसके बाद ये कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, मैं इस काम में परफेक्ट हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी. कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे से होएगा क्योंकि सिमिलैरिटी है टास्क में. सिमिलैरिटी की वजह से स्पेशलाइजेशन आएगा, कंट्रोल आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा. इससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी, ध्यान देना इस बात पे. इससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी. ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ये देखो ये लिखा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा. प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद डुप्लीकेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरे जैसा काम ये इंसान कर रहा है, मैं कर चुकी हूँ तो वो इंसान इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा. तो ये हो जाएगा डुप्लीकेशन. इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईयर एज द फोकस इज ओनली लिमिटेड रेंज. मुझे पता है मेरा जो स्कोप है वो इतना है, मुझे इतने दायरे में काम करना है तो मैं वर्क ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी. एज़ कम्पेयर टू मुझे इतने बड़े दायरे में काम करना है तो मैं उतने अच्छे से वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी. नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन. अलग अलग फंक्शंस को, ये वाला डिपार्टमेंट है इसको अलग निगरानी रखी जाएगी, इस वाले डिपार्टमेंट को अलग अटेंशन दी जाएगी. इसका नुकसान क्या है? इसके नुकसान है कि जो फंक्शनल मैनेजमेंट होता है वो लेस एम्फसाइज होता है पूरे के पूरे एंटरप्राइज पे. बिल्कुल सही बात,
क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, जैसे माइक्रो और मैक्रो में हम पढ़ते हैं ना, माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो पूरी ग्रुप लेवल की स्टडी, एग्रीगेट की स्टडी, तो माइक्रो वाला मैक्रो पे इतना फोकस नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की स्टडी हो रही है, ओवरऑल एंटरप्राइज को फोकस नहीं कर पाएगा। इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कोऑर्डिनेशन में। इंफॉर्मेशन हैज टू, इंफॉर्मेशन को क्या होना चाहिए, आगे पढ़ते, इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली। फंक्शनली क्या होगा, अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट डिफरेंट है तो ये आपस में तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इसका कोऑर्डिनेशन अपना बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। एक तरफ हमने कहा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा विद इन द डिपार्टमेंट, और एक तरफ हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा आउटसाइड द डिपार्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि दो और ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे तो वो कंफर्टेबली वर्क इतने अच्छे से नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट उसके बारे में देखते हैं, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल। पीपल क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो प्रोडक्टिव एंड डज हैज डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट इन व्यू। मतलब क्या होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी लोगों को, सेम स्किल है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे, जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे अगर इस डिपार्टमेंट की परफेक्शन आती है तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी जल्दी से ढल नहीं पाऊंगी, ये वाली बात है। नेक्स्ट सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी की बात करेंगे, तो सूटेबल ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, फंक्शनल वाला, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहाँ पे एक्टिविटीज अलग अलग हो, सेल्स का अलग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, प्रोडक्ट ए बी सी डी, तो सेल्स वाला अलग संभाल रहा है, परचेज वाला अलग संभाल रहा है, एंड ऑपरेशन रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ये वर्क ज़्यादा करेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर, मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ उसको रीऑर्गेनाइज करती है। डिविजनल मतलब वर्क को डिवाइड करना, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे डिवाइड करें, देमसेल्व अवे फ्रॉम सिमिलर एंड बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर टूवर्ड अ डिविजनल स्ट्रक्चर जो कि मोर सुटेबल है एक एक्टिविटीज के लिए। इन डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज और सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो यहाँ से ज़्यादा इजी से आपको समझ आएगा, जैसे डिवीजन के बीच में डिवीजन, विद इन ईच डिवीजन द फंक्शनल स्ट्रक्चर टेंड टू बी अडॉप्टेड, हाउ एवर फंक्शंस में वेरी अक्रॉस डिवीजन इन अकॉर्डेंस। देखो फंक्शन के बेसिस पे बांटोगे तो ये कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, और ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शन बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, ये इन्होंने कंपेरिजन कर दिया। और यहाँ पे लिखा है मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो जब हम डिवीजन करते हैं ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड एज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन, इन सब चीज़ों की बात की गई है। देखो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, डिवीजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, देखो यहाँ से इस चार्ट से ज़्यादा क्लियर होगा, बताती हूँ कैसे। मैनेजिंग डायरेक्टर, अब ये डायरेक्टर है, इसने क्या किया, एक दो तीन चार पार्ट बनाए, और फिर इस गारमेंट्स में भी एक दो तीन चार, तो जब फंक्शन के बेसिस पे बांटोगे तो वो कहलाएगा फंक्शनल, और जब डिवीजन की भी डिवीजन करोगे तो वो कहलाएगा आपका डिवीजनल स्ट्रक्चर, समझ गए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों में ये सब करना पड़ता है। इसके फायदे और नुकसान क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं,
डिविजनल हेड और अकाउंटेबल डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि गारमेंट्स की बात की गई थी, ये ओनली हेड रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, चाहे परचेजिंग, चाहे वो सेल्स, मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर, प्रोडक्ट के बेसिस पे जब हम बांटेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल होगा, और थर्ड पॉइंट इज इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इससे, एंड इनिशिएटिव, बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस आए हैं, मान लो गारमेंट्स वाले डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस आए हैं, तो ये तुरंत ही अप्लाई कर देगा सारी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में। इट फैसिलिट एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा इससे, ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें। इसके डिसएडवांटेजेस में देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, रेंट डिवीजन विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, फर्दर पर्टिकुलर डिवीजन, अब दोबारा से डिवीजन हुई प्रॉफिट के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट बढ़ सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है, मतलब उसके जो एडवांटेजेस हैं, जो फंक्शनल डिवीजन के जो एडवांटेजेस हैं वो इसके लिए क्या हो सकते हैं, दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है। उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। आगे फर्दर मूव करते हैं तो सी पॉइंट लिखा है, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन। ये मैनेजर्स को ये अथॉरिटी देता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करें। सच ए मैनेजर, अब उसके पास ताकत है, पावर होगी, तो पावर दो तरीके से यूज़ हो सकती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो पूरी की पूरी पावर हो जाती है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हो सकता है इग्नोर करे। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। सुटेबिलिटी की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल, किसके लिए सुटेबल है, बड़ी बड़ी जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चलते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, ज़्यादा एम्प्लॉय डालना चाहती है, उन सब चीज़ों के लिए। अभी आगे फर्दर मूव करते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी रिलेटेड टू कि हम लोग कौन से डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरा। फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये फंक्शन के बेसिस पे होता है, इसका प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे होता है, ये की पॉइंट्स लिख लो। स्पेशलाइजेशन, ये फंक्शनल की स्पेशलाइजेशन देखता है ये प्रोडक्ट की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है सिर्फ डिपार्टमेंट में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है परफॉर्मेंस में। मैनेजरियल डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये इजियर हो जाता है, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के हाथ में चली जाती है। इसमें फंक्शन कॉस्ट को डुप्लीकेट नहीं करोगे तो ये इकोनॉमिकल है, मतलब जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, कम आएगी, और इसके अंदर डुप्लीकेशन हो सकता है तो ये कॉस्टली है। कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए अच्छा है, डिफ़िकल्ट मुश्किल होगी अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट मेरे पास ए बी सी डी ई है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके बाद इजी रहेगा, इजी, ये इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि ऑल फंक्शन परफॉर्म आर इंटीग्रेटेड टू आर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये आपका था इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाई करेंगे, और इनफॉर्मल और फॉर्मल तो आप लोगों के सिलेबस से हट गया है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और फॉर्मल, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे 2021 के लिए। नेक्स्ट जब फर्दर सेशन आएगा तो उसको मैं इंक्लूड कर लूँगी, 2021 वाला जो सेशन उसके बाद 2021-22 के लिए आएगा। तो इस लेक्चर वीडियो में होपफुली आपको सब समझ आया होगा, अगर समझ आ गया हो तो आप ठीक है बता देना, और अगर नहीं समझ आया तो कौन से टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न है वो भी लिख के बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो तब तक सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और खूब सारा अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू, बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।